Hello, BCom students. Welcome back. So today we are going to start our lecture number 10, Goodwill का. अब तक मैंने 9 lecture करवा चुका हूँ Goodwill के, और आज मेरा 10th lecture है Goodwill का. और 10th lecture में हम करने वाले हैं sum number 36, the Gujarat Power Limited. अब ये वाला sum है, इसमें exam के point of view से भी important कह सकते हैं कि 7-8 mark में आ सकता है, ठीक है? तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है. और इसमें जो मेन कैलकुलेशन रहती है आपकी, वो होती है एवरेज प्रॉफिट निकालना. क्योंकि ये वाले सब में आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने दे दिया गया है और रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया गया, तो कुछ भी कैलकुलेशन मेरी नहीं निकालने की रहती है सिवाय एवरेज प्रॉफिट के. और एवरेज प्रॉफिट भी कुछ अलग तरीके से है, मतलब कुछ खर्चे आपको प्लस करने हैं इसमें से, कुछ खर्चे आपको माइनस करने हैं. तो वो किस तरह से समय में क्वेश्चन, तो आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा, तब आप शायद यहाँ पे देखने आए होंगे. अगर नहीं किया है क्वेश्चन रीड, तो चलो हम करते हैं यहाँ पे. तो सम नंबर 36 में क्या लिखा है, द गुजरात पावर लिमिटेड प्रपोजेस टू परचेज द बिजनेस कैरीड ऑन बाय पंजाब पावर लिमिटेड. ठीक है, गुजरात पावर लिमिटेड ने सोचा कि भाई परचेज करेगा बिजनेस किससे, पंजाब पावर लिमिटेड से. तो गुडविल फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज. तो गुडविल 3 ईयर्स के बेसिस पे निकालनी है हमको, इतना तो पता चल गया. ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, और लास्ट 4 ईयर्स ये रहे 21, 22, 23, 24. वेट आपको दे दिया गया है 1, 2, 3, 4, तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है. और 2021 का प्रॉफिट, 22 का प्रॉफिट, 23 का, 24 का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है. अब यहाँ पे जो चार एडजस्टमेंट आती है, वो चार एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो रिवाइज होगा. रिवाइज मतलब वापस है, उसमें करेक्शन होंगे. तो सबसे पहली वाली जो आपके एडजस्टमेंट है, उसमें ये लिखा गया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2023 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग रुपीज 8,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू. द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब ये क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को हमने एक मेजर रिपेयर और एक्सपेंसेस किया था प्लांट के लिए, ठीक है. उसका जो खर्चा आया था, उसका खर्चा आया था 8,000, ठीक है, जो रेवेन्यू में चार्ज हो गया. रेवेन्यू में चार्ज हो गया मतलब वो होना चाहिए था कैपिटलाइज, लेकिन हो किस में गया, रेवेन्यू में हो गया. तो अगर दिमाग लगाए हम, तो 2023 में जो मैंने खर्चा 8,000 किया है, जो कि कैपिटल में जाना चाहिए था, मैंने उसको रेवेन्यू में डाल दिया, मतलब एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि मैंने खर्चा 8,000 ज्यादा दिखा दिया, एक्चुअल में वो मेरा खर्चा था ही नहीं. तो सबसे पहले तो उसकी एंट्री करते हैं. तो 2023 में यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का फॉर्मेट बना के रखा है. चलिए ये वाला एडजस्टमेंट के बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया 1,50,000 रुपया, वो 1,50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है. और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था आपका 12% है 1,50,000 का, तो मेरा 18,000 आता है, वो भी सिंपल यहाँ पे हम समझ गए, नहीं तो मैं आपको फिर से समझाने वाला हूँ. चलो एक काम करते हैं, चारों एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम सम करते हैं. सेकंड आपको एडजस्टमेंट क्या बोली गई है, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 2,000 रुपीज. मैनेजमेंट का कॉस्ट 2,000 प्रति साल का, ठीक है, एनुअल लिखा है ना, उसको हमको गुडविल वैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट करनी है. और क्लोजिंग स्टॉक 2021 का ओवर वैल्यू हो गया था 1,000 रुपीज, उसकी एडजस्टमेंट करनी है. और फोर्थ पॉइंट में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे दिया गया है 1,50,000 रुपया, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी 12% हमें दे दिया गया है, कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल. तो इतना ठीक है. तो सम की शुरुआत करते हैं, सम की शुरुआत क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 1,50,000 रुपया डायरेक्टली दे दिया गया. उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, तो 1,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, मल्टीप्लाई करेंगे 12%, तो टोटल 18,000 का आपका क्या आता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आता है. क्लियर? तो ये दोनों स्टेप तो बहुत सिंपल थे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली हमें दे दिया गया था. अब मेन चैलेंज आता है हमको थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है विद एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट का फॉर्मेट इस तरह से ही रहेगा आपका, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर रहेगा
और ये आपके ईयर रहेंगे, बराबर। अब सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी आपको दे दी गई है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो एक्चुअल प्रॉफिट ये है 2021 का 25, 2022 का 22,500, 2023 का 21,000, 2024 का 23,000। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कॉस्ट होती है 2000, इस ये टेबल को रट लो। एक मैनेजमेंट कॉस्ट आएगा, एक ओवर अंडर वैल्यू स्टॉक आएगा, फिर थर्ड पे डेप्रिसिएशन वाला रखो, मतलब उसमें कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा तो उसको कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज होगा तो उसको रेवेन्यूज करेंगे, मतलब जो भी एरर होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और लास्ट में डेप्रिसिएशन का पॉइंट रखना। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 मुझे सबसे माइनस करनी है, तो -2000 मैं कर दूंगा, सबसे सारे ईयर ऑफ प्रॉफिट से मैं 2000 माइनस कर दूंगा मैनेजमेंट कॉस्ट। सेकंड हमारे पॉइंट आती है ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक की। तो 2021 में 1000 रुपया स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यू हो चुका था, तो 2021 ये रहा, उसको मैं माइनस कर दूंगा 1000 रुपया। तो 2021 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, तो 2022 में ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू होगा, तो यहाँ पे एडिशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आपकी आती है ये वाली, कि हमारा जो 8000 का खर्चा कैपिटल वाला था वो रेवेन्यू ले लिया, तो मैंने 8000 का खर्चा ज्यादा दिखा दिया होगा, बल्कि मेरे को माइनस नहीं करना था, वो प्लस करना था, तो 2023 में वो खर्चा मैं प्लस कर दूंगा 8000 रुपये का, ठीक है ना। अब ये 8000 का 2023 में अगर मेरा एसेट इंक्रीज हो जाता है, तो मेरे को 8000 पे डेप्रिसिएशन भी तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 8000 मैंने एसेट बुक ही नहीं किया था, तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डेप्रिसिएशन लूंगा। तो 8000 का मैं लूंगा 10%, जो कि आता है 800 रुपया। अब कितने महीने के लिए, ये 1 अक्टूबर 23 को हुआ है, और यहाँ पे हम ईयर देखेंगे तो 2021 22 23 ऐसे सिंगल ईयर ही बोल रहे हैं, मतलब 22 23 23 24 नहीं बोल रहे हैं, मतलब अगर 22 23 23 24 होता तो मतलब 1/4 से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31/3 को खत्म हो रहा है, यहाँ पे 21 22 23 ऐसे ही दे रहे हैं, मतलब 1 जनवरी वाला यहाँ पे कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर वाला फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 साल का। मैं जब 2023 की बात करूं तो 8000 पे 10%, 812 महीने का हुआ, 3 महीने का कितना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च का मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 22 23 नहीं लिखा है, सिर्फ 2023 लिखा है, इसके लिए मैं इसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक करूंगा। तो MX3/12, तो ₹200 यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अब 2024 में भी तो ये एसेट नहीं दिखाई होगी, क्योंकि 2023 में भी नहीं दिखाई है, तो 8000 माइनस 200 करूंगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। मल्टीप्लाई 8000 माइनस 200 कितना आता है, 7800। 7800 का 10% करोगे तो 780 रुपया यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका काउंट होने वाला है, ठीक है। तो हमारी सारी तीनों एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे काउंट करना चाहिए था, एक्चुअली ये वाला पॉइंट था 200 और -780। अब हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिट आ चुका है, अब बस कैलकुलेशन करिए और उसके बाद निकालिए, उसके बाद निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और 2021 का 25,000 माइनस 3,000 कर लेते हैं, तो 22,000 रुपीज का आपका 2021 का रिवाइज प्रॉफिट आता है आफ्टर एडजस्टमेंट, और 2022 का 22,500 माइनस 2,000 प्लस 1,000, तो 21,500, और 2023 का आपका आता है 21,000 माइनस 2,000 प्लस 8,000 माइनस 200, तो 26,800, और 2023 का आपका आता है 23,000 माइनस 2,000 माइनस 780, तो 20,280 और 220, ये आपके रिवाइज एवरेज प्रॉफिट आते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर, ईयर में आपका आ जाएगा 2021
2022, 2023 और 2024, और प्रॉफिट आपके जो रिवाइज ये वाले आए हैं वो लिखेंगे हम। तो 22,000 आपका 21 का, 21,500 आपके 22 का, 26,800 आपका 23 का, और 20,220 आपका 24 का, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, सॉरी वेट लिखेंगे पहले, वेट के बाद हम करेंगे टोटल प्रॉफिट। यहाँ पे आपका वेट आता है 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, तो 22,000 × 1 मतलब आपका आया 22,000, और 21,500 × 2 करेंगे तो 43,000, और 26,800 × 3 करेंगे तो 80,400, और 20,220 × 4 करेंगे तो 80,880। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना आता है, 22,000 + 43,000 + 80,400 + 80,880, मतलब 226,280, और टोटल वेट मेरा आ जाता है 10। तो यहाँ पे मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 226,280 / 10 मतलब 22,628। ये मेरा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका आया माइनस करेंगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 22,628। डबल 2,628 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो था आपका 18,000। 22,628 माइनस 18,000 करेंगे तो 4,628 आपका क्या आया, सुपर प्रॉफिट आया। अब हम निकालेंगे गुडविल, तो वो आपका रहता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स। तो सुपर प्रॉफिट आपका आया 4,628 और नंबर ऑफ इयर्स आपका है 3, तो आपका गुडविल आया हुआ 13,884। तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको सीखना पड़ेगा, वो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट से सिखा दिया, क्लियर। तो आपका एवरेज यहाँ पे गुडविल देख लेते क्या आया है, तो गुडविल आया 13,884 का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।